Bored with the current affairs? Well, welcome to the new current affairs show. In this particular show, we'll focus on the Hindu. We'll focus on a Hindi newspaper. There will be static awareness shots. There will be financial terms. We'll also have MCQs. We'll discuss a map every day and whatnot. It will cover every other segment which is important for every examination. And the fun thing is that this show will also come in Hindi. Mein नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुश पांडे और आप देख रहे हैं द करंट अफेयर शो ऑन दिस सैटरडे मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं, देरी किस बात की है, ले चलते हैं आपको सबसे पहले हमारे आज के मॉर्निंग मोटिवेशनल कोट पर, जो कि ये रहा अब आपके सामने स्क्रीन पर। सक्सेस इज नेवर ओन्ड, इट्स रेंटेड एंड द रेंट इज ड्यू एवरी डे। सक्सेस कोई आपका खुद का घर नहीं जो आप आराम से बैठ कर सोएं, सक्सेस वो किराया घर है जिसका हर महीने आपको पेमेंट करना पड़ेगा। हाउस आयरोनिकल, सो ऑलवेज बी रेडी for toiling hard, be ready for doing what you're born for every day and you will have success each and every day. तो सुबह सुबह चाय की चुस्की के साथ शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को एंड दिखाते हैं आपको सबसे पहले हमारा आज का शॉर्ट। पर उससे पहले मैं फिर से बता चुका हूँ आपको, इसका जो एक PDF है दैट शैल बी प्रोवाइडेड वंस द शो इज़ ओवर। जैसे ही शो आपका ख़त्म होगा तो इसका PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो उसके लिए आप सबका वेट करना पड़ेगा, पर वो शो के बाद हम उसको यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको सबसे पहले हमारी आज की फर्स्ट इमेज, जो कि ये रही आपके सामने। द स्टेट ऑफ उड़ीसा टू गेट अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिंदी में से कहते हैं विधान परिषद। तो उड़ीसा सरकार ने जो उसकी कमेटी बनी थी उसने अप्रूव किया है कि उसको अपना एक विधान परिषद या एक लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए। द उड़ीसा स्टेट हैज़ द लेजिस्लेटिव असेंबली विच इंक्लूड्स द MLAs। द लेजिस्लेटिव काउंसिल विल इंक्लूड द MLC, जहाँ पर MLC का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हिंदी में हम कहते हैं पार्षद। सो इन द कमिंग मंथ्स टू कम, उड़ीसा विल बिकम वन ऑफ द स्टेट्स टू हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल विच विल बी द लोअर बॉडी दैन द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि एक ब्लॉक लेवल पे या फिर एक सिटी लेवल पे सारा कार्यभार देखेगी। सो वो अब आपका आने वाला है। इट विल इंक्लूड अराउंड 49 मेंबर्स, ऐसा वहाँ के मंत्री ने, जो वहाँ पर विक्रम केशरी अरुखा है, उन्होंने ऐसा कहा है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उड़ीसा स्टेट विल गेट इट्स वेरी ओन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आइए दिखाते हैं आपको इसी का द हिंदू एंड द स्टैटिक शॉट, जहां पर विल डिस्कस इन टू द फर्दर डिटेल्स ऑफ दिस हेडलाइन, जो कि ये रहा अब आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों। उड़ीसा इज ऑल सेट टू गेट अ लेजिस्लेटिव काउंसिल लाइक सेवरल अदर स्टेट्स इन द कंट्री। द प्रपोज काउंसिल विल हैव 49 मेंबर्स विच इज 1/3 ऑफ द 147 मेंबर स्टेट असेंबलीज। तो उड़ीसा जो है वो कई और राज्यों की तरह इसको भी अब एक लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलेगा, जिसे हम विधान परिषद भी कहते हैं, जिसमें अभी तक आपके 49 मेंबर्स होंगे और जो 147 मेंबर्स का विधानसभा है उसका एक तिहाई हिस्सा है। तो यहां पर एक चीज आपको गौर करने वाली है, वो ये है कि द मैक्सिमम अ लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी इज 1/3। सो वट एवर इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका जो काउंसिल बनेगा वो उसका मैक्सिमम जो है वो एक तिहाई तक ही बन सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं बन सकता। तो यहाँ पर जो मेंबर स्ट्रेंथ रहेगा दैट विल बी अराउंड 49 मेंबर्स। एक सवाल यहाँ पर आ रहा था कई बार कि सर गवर्नर कौन है इस समय, तो गवर्नर जो इस समय हैं उड़ीसा के, जो हाल ही में आपके चेंज हुए हैं, उनका नाम है गणेशी लाल इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ उड़ीसा। ये हाल ही में चेंज हुए हैं तो इनका नाम आप सब याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको इसी का एक डिस्क्रिप्शन, डिफरेंस क्या होता है विधानसभा में और विधान परिषद में, क्योंकि ये काफ़ी रेलिवेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, विधानसभा इन इंग्लिश इज़ कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं। यू कैन कंपेयर दिस हाउस टू दी लोकसभा, क्योंकि उसका और इनका दोनों का रोल सेम रहता है करीब। देन वी हैव द विधान परिषद, जिसे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल दोस्तों यहाँ पर कहते हैं, ठीक है, और वो उसको हम विधान परिषद हिंदी में कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा,
कि अगर हम विधानसभा की बात करें, अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो यहाँ दिया हुआ है कि मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड, वो सीधे तौर पर इलेक्ट होते हैं बाय दी पीपल, और उनमें से ही एक कौन बनता है, उनमें से एक आपका चीफ मिनिस्टर बन जाता है। सिमिलरली बात करें तो 5 साल का इनका एक कार्यकाल रहेगा, द टेन्योर ऑफ दी विधानसभा विल बी फॉर 5 ईयर्स, और इनका जो हेड होता है उसको हम दोस्तों स्पीकर के नाम से जानते हैं। अगर हम विधान परिषद की बात करें तो ये विधानसभा का 1/3 होगा, इट विल बी 1/3 ऑफ द विधानसभा, नंबर वन। एंड नंबर टू, 1/3 जो इसके मेंबर्स होंगे उन्हें इलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम लोकल बॉडीज, मतलब लोकल चुनाव होंगे, 1/3 विल बी फ्रॉम द MLAs, 1/12 विल बी फ्रॉम द टीचिंग जॉब्स, एंड 1/12 अगेन विल बी फ्रॉम ग्रेजुएट्स। तो आप अंतर देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपके चीफ मिनिस्टर, जो आपका विधानसभा है, वहाँ पर सारे के सारे ऑल द मेंबर्स आर इलेक्टेड मेंबर्स। हियर द इलेक्शन टेक्स प्लेस बट इट इज़ डिवाइडेड, 1/3 आर इलेक्टेड फ्रॉम लोकल बॉडीज, जो एक चुनाव होता है, 1/3 फ्रॉम द MLAs, 1/12 फ्रॉम द टीचिंग जॉब्स, एंड 1/12 फ्रॉम द ग्रेजुएट्स। तो वो यहाँ पर आपके सामने होता है। चलो भैया रिक्वेस्ट आ रही है कि कलर हटा दो, कलर हटा देते हैं, कलर कर देते हैं फिर से येलो। ओके वन सेकेंड, ओके नंबर वन, यहाँ पर मेंबर्स के नाम होते हैं MLC, जिसे हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, और इनका जो एक टेन्योर होता है दैट इज़ अ मैक्सिमम 6 ईयर्स, और इनके जो हेड होते हैं उनका नाम होता है चेयरमैन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, और ज़रा मैं इन सबको हटा दूं, मैंने कुछ ज़्यादा रायता फैला दिया है, तो आप दोस्तों आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या है बिटवीन विधानसभा एंड विधान परिषद। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान से देखनी पड़ेंगी, एक असेंबली है और एक आपका काउंसिल है। अगर ये क्लियर हो गया है एक बार कमेंट्स में डाल देना, यस 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 वी हैव अंडरस्टूड, हमें समझ में आ रहा है। निशा ब्रिजवल, मैं इसको और जूम नहीं कर सकता, इसका PDF जब आपको शो के बाद मिल जाएगा तो उससे आप इसको और रिलेट कर पाइएगा। तो वी हैव कवर्ड द फर्स्ट हेडलाइन गाइस, और अब अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टेट ऑफ उड़ीसा। आइए जानते हैं उड़ीसा स्टेट के बारे में, ये रहा आपके सामने उड़ीसा स्टेट के बारे में कुछ जानकारी। जरा वापस स्क्रीन पर आ जाए, मेरे को हटा दो स्क्रीन से। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ नेशनल पार्क गाइज, वी हैव सिमलीपल, भितरकनिका, सतकोसिया जॉर्ज, हदगढ़, और एक जूलॉजिकल पार्क है उसका नाम है नंदनकानन। ये सारे जो हैं आपके ये नेशनल पार्क्स हैं। फिर बात करें डैम्स की, तो द वेरी फेमस हीराकुड डैम, इट इज़ ऑन द महानदी रिवर, द जलापुर डैम इट इज़ ऑन द मचकुंड रिवर, दी पटोरा डैम इट इज़ ऑन द जोंक रिवर, एंड द रिंगाली डैम जो कि आपका ब्रह्मणी रिवर पे है। और यहाँ पर दोस्तों आप रिवर्स भी देख सकते हो, महानदी बीइंग द मोस्ट प्रोमिनेंट, ब्राह्मणी सेकेंड, बुधाबलंगा थर्ड, एंड ऋषिकुल्या इज़ द फोर्थ इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो ये पहला 3 सेक्शन हो गया। फिर अगर लेक्स की बात करें तो चिल्का लेक विच इज़ वन ऑफ द एशियाज बिगेस्ट लगून्स, वो यहाँ पर है, अंशुपा लेक यहाँ पर है, साथ ही साथ कंजिया लेक भी यहीं पर पाई जाती है। सो देर आर 3 लेक्स विच आर वेरी फेमस इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। लेट्स फोकस नाउ ऑन द थर्मल प्लांट्स, देर आर 2 थर्मल प्लांट्स, द इब थर्मल पावर स्टेशन एंड दी तलचेर थर्मल पावर स्टेशन, ये आपके जो हैं ये इसी स्टेट के फेमस थर्मल पावर स्टेशंस हैं। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं, डैम्स कौन कौन से हैं, रिवर्स कौन कौन से हैं, और आपकी लेक्स और थर्मल पावर स्टेशंस भी कौन कौन से हैं। स्मार्ट स्टूडेंट ने एक कलेक्शन किया है, इट्स पटरा डैम, थैंक यू सो मच। पटोरा यहाँ लिखा होगा तो ये पटरा डैम होगा अकॉर्डिंग टू स्मार्ट स्टूडेंट, तो एक बार हम चेक भी कर लेंगे, पर ये आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट। फिर लेट्स फोकस ऑन द डांस फॉर्म्स गाइस, अगर हम डांस फॉर्म्स की बात करें तो डांस फॉर्म्स में आपका सबसे जो फेमस डांस फॉर्म है वो है ओडिसी, ये सब आप जानते होंगे। देन वी हैव डंडा जात्रा, छाऊ, दलखाई और ट्राइबल डांसेस, ये यहाँ के 5 टॉप के फोक डांसेस हैं। लेट्स फोकस नाउ ऑन द फेस्टिवल नेम्स गाइस, वी हैव द चंदन यात्रा, द दुर्गा पूजा उड़ीसा, द पूजा रथ, द पूरी रथ यात्रा, द डोला पूर्णिमा एंड द देवा स्नान पूर्णिमा, ये यहाँ के आपके फेस्टिवल नेम्स हैं जो कि हमने मेंशन किए हुए हैं। अगर हम बात करें टेम्पल्स की, देन इन पूरी वी हैव द वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ टेम्पल,
In Konark, we have the world famous Konark Sun Temple. Now, my question is, which of the following temple is called as Black Pagoda and what is White Pagoda? दो सवाल मेरे आपसे यहाँ पर हैं. पहला कि Black Pagoda किसका नाम है, and second my question is, what is the name of which temple is called as the White Pagoda? Then in terms of Brahmeshwar, we have the Brahmeshwar temple. Then there are three temples which are basically in the state of which are basically in the city of Bhuvaneshwar, just jo hain Mukteshwar, Parasurameshwar aur Rajanani. I have the fortune to visit all these places, to main yahan ja chuka hu apne family ke sath, and it is an amazing temple to go and visit. Okay, agar hum nicknames ki baat kare to Bhuvaneshwar ka jo nickname hai use hum temple city ke naam se bhi dosto jante hain. जरा वापस स्क्रीन पे दोस्तों आ जाए. सो ये एक आइडिया था बेसिक. अभी एक और चीज बचा हुआ है तो आइए उसको दिखा दें. एक सवाल यहां पर हो रहा है फ्रॉम सिद्धार्थ कुमार. यस, लिंगराज टेम्पल इज ऑल्सो इन उड़ीसा. बिल्कुल सही कह रहे हैं. एंड ब्लैक पगोडा इज कोनार्क टेम्पल. दैट इज एब्सोल्युटली राइट. दैट इज ब्रिलियंट गाइस. आप सब अच्छा कर रहे हो. कोनार्क टेम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लैक पगोडा एंड द सन टेम्पल इज कॉल्ड एज द व्हाइट पगोडा. ब्रिलियंट गाइस. कूडोज टू एवरीवन. प्लीज गिव योरसेल्फ अ बिग क्लैप. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सेगमेंट दोस्तों, अगर हम बात करें स्टेडियम्स की और एक और इम्पॉर्टेंट फैसेट की, तो स्टेडियम्स में जो बहुत ही फेमस स्टेडियम जिसमें कई सारे यादगार मैचेस हुए हैं, दैट स्टेडियम इज़ द बाराबाती स्टेडियम विच इज़ इन कटक. द कलिंगा स्टेडियम, इट्स अ टेनिस कोर्ट बेसिकली, इट्स इन भुवनेश्वर. एंड देन वी हैव द वीर सुरेंद्र साई स्टेडियम विच इज़ इन संबलपुर. तो ये तीन स्टेडियम्स हैं जो यहाँ पर आपके पाए जाते हैं. अगर हम बात करें मिनिस्टर्स की, तो जुआल ओरम बिलोंग्स फ्रॉम उड़ीसा. ही इज़ द लोकसभा सांसद फ्रॉम सुंदरगढ़ एंड ही इज़ द करेंट मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. बिल्कुल सही कह रहे हैं. बाकी संदीप पांडे बिल्कुल सही लिखा. द ओल्डर नेम ऑफ उड़ीसा इज़ कलिंगा एंड ऑल्सो उत्कल. ये दोनों ही नाम उड़ीसा के हैं, कलिंगा एंड उत्कल. तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. ये एज अ चीफ मिनिस्टर इज नवीन पटनायक एंड गवर्नर इज श्री गणेशी लाल. तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. बाकी अभिजीत यादव बॉर्डर स्टेट्स को मैं अगली बार इंक्लूड कर दूंगा, तब तक आप उसके लिए गूगल कर सकते हैं. लेट्स नाउ प्रोसीड गाइस टू द नेक्स्ट सेगमेंट. और ये रहा आपके सामने हमारी आज की दूसरी खबर. बिशप थॉमस मार एंथानासियोस हैज़ पास्ड अवे. ही वॉज द हेड ऑफ द सीरियन चर्च and he basically it's based out of Kochi in Alappuzha and he has passed away. तो यहाँ पर एक और डेथ हुई है और उनका नाम दोस्तों है, और नाम थोड़ा सा मैं स्पेल करने में मुझे दिक्कत हो रही है तो मैं याद करूँगा सिर्फ बिशप थॉमस मार. सो बिशप थॉमस मार हैज़ पास्ड अवे. ही वॉज 80 ईयर्स ऑफ एज एंड इनका दोस्तों देहांत हो गया. दिस चर्च वॉज नियर बाय कोची एंड एट द एज ऑफ 80 ही हैज़ पास्ड अवे. सो लॉन्ग लिव, सो रेस्ट इन पीस, माफ करिएगा, रेस्ट इन पीस द सोल ऑफ द ग्रेट बिशप ऑफ कोची. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसमें कुछ और एग्जाम में सवाल आएगा, सवाल यही आएगा कि बिशप थॉमस मार वॉज द बिशप ऑफ विच चर्च. तो आप बोल सकते हो द सीरियन चर्च नियर कोची, वो आप यहाँ पर बोल सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब दिखाते हैं आपको हमारा अगला सवाल, अगला हेडलाइन, जो कि ये रहा अब आपके सामने दोस्तों. कम्यूट रिलेटेड पोल्यूशन, कोलकाता शाइंस अमंग मेगा सिटीज. नाउ गाइस, इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट विच इज़ बेसिकली मेड बाय द कॉमन सर्विस सेंटर और द सीएससी ने इस रिपोर्ट को बनाया है. तो इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट देर वर 14 सिटीज दैट वर अंडर दिस रिपोर्ट, in which there were 6 mega cities which are the big metro cities, that is we can say Kolkata, Delhi, Bengaluru, these are the big cities, and it also consisted of around 8 metropolis. A metropolis is not a mega city but it's just beneath it, for example Lucknow, Bhopal and every other. So the common service center and the Center for Science and Environment, that is CSE, they compiled a list of these 14 cities and it was based on two facets. One, on commute pollution, जो लोग travel करते हैं उससे जो pollution होता है, and second आपका है जो कि है emission of greenhouse gases. तो उसके basis पर उन्होंने evaluate किया था and Kolkata is at the top in terms of the mega cities. Mega cities में सबसे अच्छा जो शहर pollution के मामले में काम कर रहा है वो Kolkata है, और सबसे जो बेकार शहर काम कर रहा है उसका नाम है Delhi. So these are the two things जो कि
यहाँ पर है। एक सवाल आ रहा है फ्रॉम अरविंद कुमार, मेरे भाई जिगर के टुकड़े मैं हिंदी में भी करवाता हूँ, अभी आपको इसका हिंदी मिलेगा, आप कतई भी चिंतित ना हो, इसका हिंदी भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको इसी का हिंदी स्टैटिक शॉट्स, ये रहा आपके सामने। An analysis of 40 Indian cities, including 6 mega cities and 8 metropolises, on how they fare when it comes to pollution. उसमें कोलकाता ने मेगा सिटीज़ में दोस्तों टॉप किया है, जो कि आपके सामने यहाँ पर हमने फिलहाल मेंशन भी कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा कि सिटीज़ 14 हैं, जिनमें से 6 बड़े शहर हैं और बाकी शहर जो हैं आपके हैं, दो सिटीज़ आर बेसिकली द मेट्रोपोलिस सिटीज़ विच इंक्लूड लखनऊ, भोपाल, चंडीगढ़, जयपुर, अहमदाबाद, पुणे। तो आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं, मैं आपको मार्क भी कर दूंगा इसके लिए। कोलकाता इज़ द टॉप परफॉर्मिंग सिटी, भोपाल हैज़ द लोवेस्ट ओवरऑल एमिशन। तो ओवरऑल एमिशन के तौर पर भोपाल के सबसे कम एमिशन्स हैं। इस रिपोर्ट का दोस्तों नाम है द अर्बन कम्यूट एंड हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू पोल्यूशन एनर्जी, ये इस रिपोर्ट का नाम है और इसको बनाया है, इट हैज़ बीन कंपाइल्ड बाय द CSE, जिसका फुल फॉर्म मैंने पहले गलत बोला था, इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। तो उसने बेसिकली इस रिपोर्ट को बनाया है एंड इस रिपोर्ट के अनुसार जो टॉप परफॉर्मिंग सिटी है आपकी वो कोलकाता है, लोवेस्ट एमिशन जो सिटी है वो आपकी भोपाल है। यहां पर 6 सिटीज थी मेगा सिटी, जिनके नाम है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, एंड इट हैड 8 मेट्रोपॉलिटन सिटीज, भोपाल, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद, पुणे। तो उनमें से टॉप पर भोपाल है एमिशन के मामले में, एंड मेगा सिटी देखिए टॉप पर आप देख सकते हैं भोपाल आया है, और मेगा सिटीज के मामले में कोची आपका नंबर वन है, उसके बाद मुंबई है, अहमदाबाद है, और लास्ट में आपका क्या है, लास्ट में आपका चेन्नई है, लास्ट में आपका दिल्ली है, माफ़ कीजिएगा। तो इसका हिंदी भी दिखा देते हैं आपको, ये रहा इसका दोस्तों हिंदी, जो लोग कहते हैं हिंदी नहीं आता है, ये है इसका हिंदी जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एंड यू कैन सी द ग्राफ इज़ वेल इन विच भोपाल विथ। ओके, एक सवाल आ रहा है सर, व्हाट इज़ PM 2.5? देखिए PM इज़ पर्टिकुलेट मैटर, वापस स्क्रीन पर जरा आ जाए, बेसिकली पर्टिकुलेट मैटर इज़ द नंबर ऑफ, इज़ द वॉल्यूम ऑफ पोल्यूटेंट्स जो कि आपके एनवायरमेंट में है। सो PM दे आर स्टैंड फॉर पर्टिकुलेट मैटर, इट इज़ बेसिकली अ इवेल्युएशन ऑफ पोल्यूटेंट्स विच आर इन द आउटर एटमोसफियर, विच आर इन द एनवायरमेंट, उसको लेकर है। तो अगर PM 2.5 तो बेसिकली PM 2.5 आपका है जो एक रखा गया स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से ये रैंकिंग बनाई गई है, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ याद करिएगा PM का मतलब है पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया आप सबको, एक बार कमेंट्स में डाल दीजिएगा यस सर वी अंडरस्टूड, यस सर हमें समझ में आ रहा है, अब हम आगे भी बढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों एंड दिखाते हैं आपको। अच्छा, एक सवाल आ रहा है फ्रॉम पीयूष गुप्ता, सर CSE क्या है? देखिए CSE है आपका एक बेसिकली इट्स अ सेंटर विच इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड एनवायरमेंट रिसर्च। तो जो एक रिसर्च करने की बात करेंगे, जो हमें एक सर्वे करने की बात करेंगे, उनके लिए आपका CSE का रोल वहाँ पर होता है। इट बेसिकली कंपाइल्स द रिसर्च, बेसिकली इट कंपाइल्स सर्वेस बेस्ड ऑन एनवायरमेंट एंड द साइंटिफिक एस्पेक्ट, वो इसका कंसेप्ट है। एंड अ वेरी वेरी एडवांस हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल एंड एवरीवन, आप सब कल इंजॉय कीजिएगा, राखी बांधिएगा अपनी, राखी बांधे बहनें अपने भाइयों को, और उससे अच्छा कोई दिन नहीं होता व्हेन यू हैव अ सिस्टर। सो अ वेरी वॉर्म हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। चलिए नहीं, वो तो नहीं करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको हमारा नेक्स्ट हेडलाइन, एक्सटेंशन फॉर नागालैंड इंटरलोक्यूटर। दो आई एम नॉट अ इंग्लिश फैकल्टी, पर एक सवाल आपका आएगा कि सर इंटरलोक्यूटर क्या है? नाउ इसको हिंदी में दोस्तों हम कहते हैं मध्यस्थ, या इन इंग्लिश इट कैन बी सेड द मिडल मैन, द इंडिविजुअल हु इज़ ट्राइंग टू मेक अ सेंसस बिटवीन द नागालैंड पार्टी, दैट इज़ द NSC and IM एंड द इंडियन गवर्नमेंट। तो जो एक मध्यस्थ हैं, जो एक मिडल मैन है, द एडवाइज़र जो है, हु इज़ ट्राइंग टू मेन टाइज बिटवीन द नागालैंड, द डिमांड ऑफ द ग्रेटर नागालैंड एंड द गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ मिस्टर RN रवि, एंड उनका जो एक टेन्योर है दैट हैज़ बीन गिवन एन एक्सटेंशन। बेसिकली ही इज़ एन इंडियन पुलिस ऑफिसर फ्रॉम द 976 बैच, एंड इनको एक्सटेंशन दिया गया है फॉर बीइंग द इंटरलोक्यूटर फॉर द गवर्नमेंट इन नागालैंड, उसके लिए यहाँ पर उनको ये जिम्मा दिया गया है। तो बहुत ही सिंपल सी दोस्तों यहाँ पर खबर होगी, सब खबर यही बनेगी कि हु इज़ द इंटरलोक्यूटर
फॉर द गवर्नमेंट इन नागालैंड द आंसर विल बी आर एन रवि. सवाल एक और हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेन्योर वॉज एक्सटेंडेड एज द स्पेशल इंटरलोक्यूटर फॉर नागालैंड. आंसर अगेन आपका होगा आर एन रवि. इसके अलावा इसमें कोई और सवाल नहीं बन सकता है. येस अजीत मोदी, यू कैन ऑल्सो से हिम एज अ मीडिएटर. वो भी आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं. चलिए तो ये आप सबको क्लियर हो गया होगा. अब सवाल ये उठेगा कि सर व्हाट इज़ दिस ग्रेटर नागालैंड, जो आप बता रहे हो बार बार कि ये ग्रेटर नागालैंड व्हाट इज़ दिस. तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, इसका एक मैप मेरे पास है जिस मैप में एक डिमांड आई है एंड दिस डिमांड इज़ पेरिनियल. ये डिमांड आज की नहीं, काफ़ी पुरानी डिमांड है, जहाँ पर वो एक एरिया चाहते हैं एंड दैट एरिया हैज़ टू बिकम द ग्रेटर नागालैंड. दैट इज़ देयर इनिशियल डिमांड. जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का भी हिस्सा है, कुछ हिस्सा म्यांमार का भी आ जाएगा, तो काफ़ी हिस्से हैं जो कि यहाँ पर कहे गए हैं. ये डिमांड कर रहा है आपका दी NSCNIM, जो कि है द नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड. वो इसको डिमांड कर रहा है एंड इसमें ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है. हाँ, अगर इंटरव्यू आएगा तो वहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि सर व्हाट इज़ द ग्रेटर नागालैंड मिशन. आप बता सकते हो देर इज़ अ बॉडी विच इज़ अ सेमी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज NSCNIM. क्या है उसका नाम? उसका नाम दोस्तों है NSCNIM, ठीक है. और NSCNIM जो है बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन सेकेंड. डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ विच इज़ डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट ग्रेटर नागालैंड विच विल इंक्लूड इंडियन स्टेट्स एंड ऑल्सो अ पार्ट ऑफ म्यांमार. अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि ये जो आपकी बॉडी है, दिस पर्टिकुलर बॉडी, इट हैज़ बीन फॉर्म्ड इन 1980 में ये आपका बना है, 1980 में आपका ये बना है एंड इसके जो हेड हैं उनका नाम है एस खापलांग. ही इज़ द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी एंड दे आर डिमांडिंग फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड. तो ये एक कंसेप्ट है, ठीक है. चलिए तो अगर यहाँ तक क्लियर है आप सबको, वो कमेंट्स में डाल दीजिएगा यस सर वीव अंडरस्टूड. चलिए तो अगर क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते. बाकी इसके बारे में एडिटोरियल में विशाल सर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये नागालैंड इशू आपका क्या है. फुल फॉर्म इसका है नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, इसाक मूविया. चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर. मॉरिसन इज स्वॉन इन एज द ऑस्ट्रेलियाज न्यू प्राइम मिनिस्टर. स्कॉट मॉरिसन इनका नाम है और ये बने हैं नए प्रधानमंत्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड ही इज़ द सेवेंथ प्राइम मिनिस्टर इन द प्रीवियस 11 ईयर्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड ही हैज़ रिप्लेस्ड मैल्कम टर्नबुल. सो बहुत ही सिंपल सी खबर, दिस इज मैंशन. देखिए जो लोग पूछते हैं सर पेज नंबर क्या क्या है, तो देखिए पेज नंबर दिया रहता है साइड में, ये है पेज नंबर. तो पेज नंबर 12 पे आपका ये है कि स्कॉट मॉरिसन जो है, ही हैज़ रिप्लेस्ड मैल्कम टर्नबुल एंड ही हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ही इज़ द सेवेंथ प्राइम मिनिस्टर इन 11 ईयर्स फॉर द कंट्री दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया. बाकी जो लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा एंड उसकी जो करेंसी है दैट इज़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर. रीज़न इसका क्या, रीज़न ये है कि देवर सीवियर चार्जेस अगेंस्ट मैल्कम टर्नबुल एंड इंटरनल जो पॉलिटिक्स हुई उनकी पार्टी में, वहीं उसी पार्टी से आपके नए बने पीएम का नाम है स्कॉट मॉरिसन, ठीक है. अगर यहां तक क्लियर है एक बार कमेंट्स में डाल दीजिएगा यस यू अंडरस्टूड. नेहा जी ने कल ही इसको पढ़ लिया था, बहुत अच्छी बात है कि आप एक दिन पहले ही पढ़ ले रही हैं, इट्स अ गुड थिंग. चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर जो कि ये रही आपके सामने. रिजर्व्स डिप बाय $33.2 million टू $400.8 billion. अब यहाँ पर सवाल एक उठेगा कि सर व्हाट इज़ अ रिजर्व, ये रिजर्व आखिरकार क्या है, रिजर्व से बेसिकली हम क्या समझें. देखिए रिजर्व्स का पूरा नाम है फॉरेक्स रिजर्व्स एंड व्हाट इज फॉरेक्स, फॉरेक्स इज फॉरेन एक्सचेंज. नाउ व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज, ऑल द फंड्स विच डू नॉट इंक्लूड
इंडियन रूपी और इंडियन बॉन्ड्स शैल बी कॉल्ड एज अ फॉरेन एक्सचेंज। ऐसा कितने भी कोई भी फंड जो सरकार के पास है जो कि ना तो भारतीय रुपए में है ना तो भारत में वो बॉन्ड की तरह जारी हुआ है, ऑल दीज फंड्स विल बी कॉल्ड एज अ फॉरेन एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया के पास डॉलर है, अगर इंडिया के पास गोल्ड है, अगर IMF से हमने लोन लिया है SDR के फॉर्म में, जो पैसा अकाउंट में मेंटेन्ड है IMF में, जिसे हम रिजर्व ट्रांच भी कहते हैं, या फिर किसी फॉरेनर ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है, जिसे अगेन हम फॉरेन करेंसी असेट कहते हैं। तो अगर फॉरेन करेंसी असेट है, अगर डॉलर है, अगर गोल्ड है, अगर SDR है, अगर अकाउंट जो आप IMF में मेंटेन्ड है, रिजर्व ट्रांच, अगर इनमें से कोई भी है, तो ये सब का सब आपका जो होगा वो होगा आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मैं फिर से रिपीट कर दूँ आपके लिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज बेसिकली अ रिजर्व विच इंक्लूड्स ओनली दोज फंड्स विच आर नॉट इंडियन रुपी और आर नॉट इंडियन बॉन्ड्स। ऐसे सारे फंड जो ना तो भारतीय रुपए में हैं ना तो भारतीय बॉन्ड हैं, वो सारे के सारे जो होंगे उसे हम कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज। नाउ गाइस, एक सवाल आ रहा है सर SDR का। SDR का फुल फॉर्म है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। SDR इज़ अ लोन फैसिलिटी विच इज़ ऑफर्ड बाय द IMF। अगर IMF को किसी कंट्री को लोन देना होता है तो इट गिव्स द लोन इन SDR फॉर्म, वो SDR फॉर्म में लोन देता है। सो अगर SDR फॉर्म में इंडिया को लोन मिला है, नाउ SDR फॉर्म इज़ नॉट अ इंडियन करेंसी, इट इज़ ऑल्सो नॉट एन इंडियन बॉन्ड। और अगर वो इंडियन करेंसी नहीं है, अगर वो इंडियन बॉन्ड नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सो एनी थिंग एंड एवरी थिंग विच इज़ नॉट इन इंडियन रूपी और इट इज़ नॉट इशूड एज एन इंडियन बॉन्ड, ऑल दोज थिंग्स विल बी कॉल्ड एज अ स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। फॉर एग्जाम्पल, डॉलर अगर इंडिया के पास है, गोल्ड इंडिया के पास है, SDR इंडिया के पास है, FCA मतलब इन्वेस्टमेंट किया है विदेशियों ने इंडिया में, दैट इज़ फॉरन करेंसी असेट, या फिर रिजर्व ट्रांच मतलब वो अकाउंट बैलेंस जो इंडिया ने IMF में मेंटेन किया है, ये सब के सब जो आपके होंगे, ये आपके होंगे फॉरन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो वो जो फॉरेक्स आपका है वो अब आपका कम हुआ है बाय 33.2 बिलियन US डॉलर्स और आपका हो गया है एट 400.8 बिलियन US डॉलर्स। आइए दिखाते हैं आपको इसी का हिंदू एंड स्टैटिक शॉर्ट्स। ये रहा आपके सामने, इंडियन फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिजर्व्स हैव फॉलन, नंबर वन। नंबर टू रीज़न इसका है कि US डॉलर का एक वैल्यू बढ़ रहा है और जो इंडियन रुपी है उसका वैल्यू जो है वो आपका कम हो रहा है। प्रदीप नायक, मेरे भाई में जिगर के टुकड़े, भाई परेशान क्यों होते हो, आपके लिए ये लो, आपके लिए हिंदी में भी है, देखो और ऐश करो। ऐसा नहीं है, हिंदी वाले हैं या अंग्रेज़ी वाले हैं, दिस इज़ अ पैन इंडिया शो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये सबके लिए है। इट इज़ फॉर माई ब्रदर्स फ्रॉम साउथ एंड ऑल्सो फॉर द ब्रदर्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। ब्रदर्स मतलब उसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, सब हैं उसमें। सो रिजर्व करेंसी जो रिजर्व्स हैं दोज हैव बेसिकली गोन डाउन, नंबर वन। एंड नंबर टू, जो एक रिजर्व में आपका US का एक डॉलर का इंक्रीज है, उस वजह से रुपी वैल्यू कम हुई है, इसी वजह से जो ओवरऑल वैल्यू है उसमें कमी आई है, नंबर वन। नंबर टू अगर हम बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेसिकली गाइज कंसिस्ट ऑफ फोर फैक्टर्स। इसमें होता है फॉरेन करेंसी एसेट, इट इंक्लूड्स गोल्ड, इट इंक्लूड्स SDR एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द रिजर्व ट्रांसपोजिशन जो कि आपकी IMF में रखी गई है। तो ये चार से मिलकर बनता है आपका फॉरेन करेंसी असेट, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा और अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और ले चलते हैं अब आपको हमारी अगली खबर पे। अगर यहाँ तक क्लियर है आपको प्लीज़ कमेंट करिएगा, येस सर येस सर येस सर इट इज़ वेरी क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब हम स्पोर्ट्स की दोस्तों। इट्स नाउ फोकस ऑन द स्पोर्ट्स सेक्शन। नाउ दिस इज़ अ स्कलिंग इवेंट गाइस, जिसमें आप भारत के चार बांके जवान देख रहे हैं जिनकी शायद शादी नहीं हुई है तभी इतने ज़्यादा फिट दिख रहे हैं। इनमें ये हैं सुखमीत सिंह, ओम प्रकाश, दत्तू भोकानकाल और स्वर्ण सिंह। ये लोगों ने जीता है हमारे लिए गोल्ड मेडल इन दी क्वाड्रपल स्कल्स। स्कल्स करके एक इवेंट होता है, इट्स अ मरीन इवेंट एंड वाटर इवेंट, माफ़ करिएगा। एंड इन दैट पर्टिकुलर इवेंट इंडिया हैज़ वन अ गोल्ड एंड द गोल्ड हैज़ बीन वन बाय दीज फोर पीपल। सिमिलरली वी हैव टू पीपल हियर, एक हैं ये एक का नाम दोस्तों है
दो लोग हैं, इनको मिला है ब्रॉन्ज और इनको भी दोस्तों इनको मिला है सिंगल्स में ब्रॉन्ज और इनको मिला है, इन दोनों को मिला है आपका शायद ये रोहित और भगवान है, शायद इनके ये दो नाम हैं, इन दोनों को मिला है ब्रॉन्ज एंड इनको भी मिला है आपका ब्रॉन्ज, पर ये जो आपके चार लोग हैं इनको मिला है गोल्ड मेडल। सो इन द स्कल्स क्वाड्रुपल इवेंट द क्वार्टेट ऑफ स्वरण सिंह, दत्तू भोकानकल, प्रकाश एंड सुखमीत सिंह हैव वन द गोल्ड मेडल इन दिस पर्टिकुलर इवेंट ऑन दिस पर्टिकुलर फ्राइडे। सिमिलरली इनका नाम दोस्तों जो आपके सामने इनका नाम है बजरंग लाल ठक्कर, जो इनका नाम है बजरंग, इनका नाम बजरंग लाल ठक्कर है, इनको मिला है ब्रॉन्ज एंड इन दोनों को भगवान एंड रोहित को मिला है ब्रॉन्ज मेडल इन द डबल्स स्कल्स। ठीक है, चलिए वापस स्क्रीन पे दोस्तों आ जाएं और आपको ले चले हमारी अगली खबर पे, जो कि ये रही आपके सामने इन द इवेंट ऑफ इन लॉन टेनिस गाइस वी हैव आर रोहन बोपन्ना एंड रोहन बोपन्ना एंड दिविज शरण, दे हैव वन द गोल्ड मेडल, इन्हें इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल इन द डबल्स इवेंट। एंड अंकिता रैना जिनकी बात हम पहले कर रहे थे उनको मिला था ब्रॉन्ज। सिमिलरली प्रजनेश जो कि हमारे सिंगल्स के एक्सपर्ट हैं उनको मिला है ब्रॉन्ज मेडल इन दिस पर्टिकुलर एशियाड। सो प्रजनेश नाम है इनका, माफ करिएगा, अच्छा ये तो गायब होते जा रहे हैं भैया, ओके तो इनको दोस्तों मिला है बेसिकली ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो गोल्ड मिला है टू रोहन बोपन्ना एंड दिविज शरण एंड द ब्रॉन्ज मेडल हैज बीन वन बाय अंकिता रैना एंड आल्सो बाय प्रजनेश गुणेश्वर, उनको बेसिकली दोस्तों गोल्ड आपको बेसिकली दोस्तों उनको गोल्ड भी आपका मिला यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं अब आपको हमारी अगली खबर, यहाँ तक अगर आपको क्लियर है एक बार कमेंट्स में डाल दीजिएगा यस सर यस सर। वेल नवीन कुमार एज पर द टुडेज न्यूज़पेपर इंडिया की रैंक 7th है, पर अगर आप अपडेटेड हो तो हो सकती है 8th, पर एज पर द पेपर रैंक जो आपकी है वो 7th है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कुछ और एशियन गेम्स के इवेंट्स की। फॉर एग्जाम्पल हीना सिंधु हैं एंड शी हैज़ वन द ब्रॉन्ज मेडल एंड शी हैज़ वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द 10 meter एयर पिस्टल। टोटल जो आपके मेडल्स हैं फ्रॉम शूटिंग दैट आर नाउ 9। देन कबड्डी टीम जो है, और शॉकिंग बात है कि 1990 के बाद इंडिया का जो इंडिया का कबड्डी टीम है वो पहली बार हारी है, पहली बार उसको गोल्ड मेडल नहीं मिला है, तो ये शॉकिंग बात है। बोथ इन द मेंस इवेंट एंड ऑल्सो इन द वुमेंस इवेंट इंडिया हैज़ फेल्ड टू विन द गोल्ड मेडल, दे हैव बीन डिफीटेड बाय ईरान इन द फाइनल्स ऑफ द कबड्डी इवेंट। तो इस पे कुछ सोचना पड़ेगा। अगर हम स्क्वॉश की बात करें तो स्क्वॉश में सौरव घोषाल, जोशा चिनप्पा एंड दीपिका पल्लिकल तीनों को ही ब्रॉन्ज अश्योर हो गया है और ये गोल्ड मेडल भी जीत सकते हैं, पर अभी के लिए तीनों लोगों ने हमारे लिए ब्रॉन्ज तो अश्योर कर ही दिया है स्क्वॉश में, सौरभ घोषाल ने, जोशिनप्पा ने एंड ऑल्सो दीपिका पल्लिकल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर जो कि ये रही अब आपके सामने। लालचंद राजपूत हु वॉज दी T20 वर्ल्ड कप विनिंग कोच फ्रॉम इंडिया, 2007-08 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ये भारत टीम के हेड कोच भी रहे थे। ही हैज़ नाउ बिकम द कोच ऑफ द जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम, जिम्बाब्वे की जो राष्ट्रीय टीम है वो उसके कोच बने हैं आपके लालचंद राजपूत, वो यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है कि ही हैज़ बीन मेड द हेड कोच ऑफ द जिम्बाब्वे इंटरनेशनल क्रिकेट टीम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हमारे आज की अदर हेडलाइन सेगमेंट की, क्या क्या खबरें हैं जो कि हमारी अदर हेडलाइंस में आती हैं। तो इनमें जो पहली खबर है दोस्तों वो ये रही आपके सामने, देर इज़ अ कमिटी विच वॉज हेडेड बाय AJ पॉल राज, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है टू द DOT, जहां पर DOT का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। सो द 5G कमिटी विच वॉज बेसिकली लुकिंग इन टू द 5G अडॉप्शन, कैसे हम 5G को बेसिकली सही करें, तो 5G के लिए उन्होंने रिपोर्ट पेश की है। इस कमिटी के अध्यक्ष जो हैं उनका नाम है AJ पॉलराज एंड ही हैज़ सबमिटेड द रिपोर्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट उन्होंने साफ साफ कहा है कि द 5G रोल आउट विल हैपन बाय
2020 तक जो 5G टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। अगर हम 5G की बात करें, 5G इज़ बेसिकली अ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो कि 3GPP पर बेस्ड है। इतना ही याद करिएगा, बाकी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर दूँ। और दोस्तों, आज कुछ ज़्यादा डिसलाइक्स आ गए हैं, लगता है हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको दिक्कत हो रही है मेरे से। कोई दिक्कत की बात नहीं, जो मेरे जो पसंद करते हैं शो को, लगातार शो को लाइक करते रहें, बिकॉज अगेन इंपॉर्टेंट है। अमरदीप कुमार, ये जो हेडलाइन है ये किसी भी आपके पेपर, ये किसी भी ये हिंदू में नहीं है, ये अलग से हमने ऐड की है ताकि सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाए। सो 5G कमिटी ने रिकमेंड किया है कि 2020 तक इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 5G इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ 4G और ये बेस्ड है आपकी थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर। वर्ल्ड बैंक हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लॉकचेन बॉन्ड, जिसका नाम है बॉन्ड आई। अलग एन पी गाइस, वर्ल्ड बैंक हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लॉकचेन बॉन्ड, जिसका नाम है बॉन्ड आई। ठीक है, जहाँ पर बॉन्ड आई नाम है इसका, और ये किस पर बेस्ड है? इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। नाउ व्हाट इज़ ब्लॉकचेन गाइस? ब्लॉकचेन में क्या होगा? द फंड ट्रांसफ़र और द मनी ट्रांसफ़र ऑनलाइन विल टेक प्लेस फ्रॉम वन टू द अदर, और इसकी जानकारी सिर्फ सेंडर को है और सिर्फ रिसीवर को है, किसी थर्ड मीडिएटर को या किसी रेगुलेटर को इसकी जानकारी नहीं होती है। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन अ फैक्ट दैट अ ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम पीयर टू पीयर, फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर, एंड द डेटा ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांसफर इज स्टोर्ड इन ब्लॉक्स। उसे हम ब्लॉक्स में आपका स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ यहाँ पर आप समझिएगा कि द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, इन विच द ट्रांसफ़र हैपन्स बिटवीन टू पार्टीज एंड देर इज़ नो शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद द अदर्स। किसी और को उस इन्फॉर्मेशन की जानकारी नहीं होती है। संदीप जाधव, क्रिप्टो करेंसी जो है वो बेस्ड है आपकी ब्लॉकचेन पर, तो जो टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी में यूज़ होती है उसका नाम ब्लॉकचेन है, एंड उसी बेस पर वर्ल्ड बैंक लॉन्च किया है द फर्स्ट ब्लॉकचेन बॉन्ड, जिसका नाम है आपका बॉन्ड आई। ठीक है, तो उस नाम को एक बार आप यहां पर देख भी सकते हैं। ठीक है, तो चले आगे बढ़ें। अगर यहां तक आप सबको क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या हम आगे बढ़ें दोस्तों? ठीक है, तो सब लोग कह रहे हैं हां सर आगे बढ़े, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको आगे। राहुल अग्रवाल, हिंदी भाई, मैं हिंदी भी तो बोल रहा हूं, आखिरी बार बोल रहा हूं मैं आप सबको, दिस इज अ पैन इंडिया शो, यहां पर सब लोग, सब भाई लोग आते हैं, पीपल हु वॉन्ट टू डिस्कस इन इंग्लिश एंड ऑल्सो इन हिंदी। सो राहुल भाई, बार बार बोल के परेशान मत करो, बिकॉज ये शो बड़ी मेहनत से बनता है ना, ये आपके लिए बना है। सो इसका हिंदी मेरे भाई ये है, लिखा तो है। चलिए दिखाते हैं अब आपको हमारी अगली खबर पे, जो कि ये रहा आपके सामने। द इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेंबरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन विल स्टार्ट ऑन 23rd August, ये 23 अगस्त को आपका मनाया गया। स्पेशली जो लोग स्लेव बनाए गए थे इन द अर्लियर कंट्री ऑफ सैंटो डोमिंगो, जिसका नया नाम हाइटी है या हाइसी है, तो उस देश में जो स्लेव बनाए गए थे उनकी याद में इस दिन को मनाया जाता है, और ये दिन है आपका 23 अगस्त। दिन का नाम है इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेंबरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबॉलिशन, वो दिन आपका यहाँ पर है। रिश्का तिवारी का बाबा का मतलब क्या करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस। अब आ रही है हमारे आज के फाइनेंशियल टर्म्स की गाइस, एंड ये रहा आपके सामने हमारे आज के फाइनेंशियल टर्म्स। पहला है हेयर कट और दूसरा है आपका प्रोविजन। सो टुडे गाइस वी हैव टू टर्म्स, द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एज अ हेयर कट एंड सेकेंड टर्म इज बेसिकली कॉल्ड एज अ प्रोविजनिंग। लेट्स नाउ फोकस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन वॉट इज अ हेयर कट, तो बात समझिएगा ध्यान से। हेयर कट इज वेन a lender, when a lender is ready when a lender is ready to decrease its profit margin for
फाइनलाइजिंग अ डील और कंप्लीटिंग अ डील इट इज कॉल्ड एज, अरे माफ करना भाई, इट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ हेयर कट. फॉर एग्जाम्पल भोला जी हैं, भोला जी ने पप्पू जी को, दो लोग हैं, ही इज भोला एंड ही इज पप्पू. अब भोला जी ने पप्पू जी को 5 लाख का लोन दिया था 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर. 5 लाख का लोन था और 10% का इंटरेस्ट था, पर पप्पू जी पैसे वापस नहीं कर पा रहे. पप्पू जी इज अनेबल टू गिव बैक द मनी. तो भोला जी ने कहा कि चलिए आप मुझे 10% ना देकर मुझे 7% दीजिए ताकि आप मुझे पूरा पैसा वापस कर दीजिए. सो हियर भोला इज टेकिंग अ हेयर कट ऑफ 3%. यहाँ पर भोला जो हैं उन्होंने 3% का क्या लिया है, हेयर कट लिया है. सो आई अगेन रिपीट गाइस, व्हेन द लेंडर और व्हेन द पर्सन हु हैज प्रोवाइडेड द मनी इज रेडी टू रीनेगोशिएट, इज रेडी टू डिक्रीज इट्स प्रॉफिट मार्जिन सो दैट द डील कैन बी डन और द डील कैन बी कंप्लीटेड, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ हेयर कट. उसे बेसिकली हम यहाँ पर हेयर कट कहते हैं. तो यहाँ पर भोला जी लेंडर हैं, पप्पू जी रिसीवर हैं. भोला जी ने पप्पू जी को 5 लाख का लोन दिया 10% पर और पप्पू जी वापस पैसे नहीं कर पा रहे हैं. सो भोला जी सेड दैट येस यू कैन डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट, उसको 10 से हमने 7 कर दिया. तो यहाँ पर 3% का हेयर कट लिया आपके भोला जी ने. तो ये अगर क्लियर है एक बार कमेंट्स में डाल दीजिएगा, येस सर, येस सर, यस सर, दिस इज एब्सोल्यूटली क्लियर. तो सबको ये क्लियर हो गया होगा. चलिए अब बात करते हैं पप्पू जी 7% अफोर्ड करें या ना कर पाए, वो मेरा हेडेक नहीं है, वो हेडेक पप्पू जी का है, वो आपका हेडेक भी नहीं है. चलिए वापस रहो, हाँ वन सेकेंड. अब बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की. नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका मेंशन है दैट इज बेसिकली गाइज प्रोविजनिंग. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल SBI provided a loan of 50 lakh to Fekuji. ठीक है, and he knows that Fekuji and the SBI knows कि it is a 50% chance that only 25 lakh will return and 25 lakh will be a loss. तो वो जान जाता है कि चांसेस यहाँ पर हैं कि 25 लाख का लॉस हो सकता है. सो SBI क्या करेगा, SBI विल कीप 25 लाख इन रिजर्व फॉर दिस पर्टिकुलर लोन, ताकि अगर कल को 25 लाख का लॉस हुआ तो 25 लाख का इस्तेमाल करके वो लॉस को रिकवर या कम कर सकता है. सो अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ अ प्रोविजनिंग, प्रोविजनिंग गाइस इज बेसिकली अ प्रोसेस इन विच The bank keeps a reserve for a loan. एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर एक बैंक जो है वो एक लोन, एक रिजर्व को रखता है ताकि कल को अगर लॉस हुआ उस लोन पर तो उस रिजर्व से उसकी भरपाई की जा सके. सो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द बैंक विल कीप अ रिजर्व स्पेशली फॉर रिकवरी ऑफ फ्यूचर लॉसेज, दैट प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड एज अ प्रोविजनिंग. अगर ये क्लियर हो गया आपको एक बार कमेंट्स में डाल दीजिएगा, येस सर ये हमें क्लियर हो गया. बाकी अगर आपको पसंद आ रहा है शो तो लगातार शो को लाइक करते जाइएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, सबको ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया होगा. चलिए लेट्स नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट सेगमेंट गाइस, ये रहा आपके सामने. आज हम बात करते हैं, कल येस्टरडे वी हैड अ डिस्कशन ऑन द गंगा रिवर सिस्टम. वी डिस्कस्ड अबाउट गंगा, वी आर लेफ्ट विद ब्रह्मपुत्रा एंड इंडस. तो आज बात करते हैं हम अबाउट द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. ये सिस्टम है क्या, इस सिस्टम की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर हम सैंगपो की बात कर सकते हैं, यहाँ पर हम इन आउटस्कर्ट्स की बात करेंगे जहाँ पर आपके सामने देखिए ब्रह्मपुत्रा का मेंशन भी किया गया. तो आइए दिखाते हैं आपको इसी के बारे में हमारी चर्चा, ये रही आपके सामने. द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्रा गाइस इज 2900 किलोमीटर की है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम टिबेट,
जहाँ इसको हम सैंगपो कहते हैं। इट एंटर्स इंडियन टेरिटरी इन अरुणाचल प्रदेश अंडर द नेम दिहांग। तो शुरू होता है ये तिब्बत में जो कि सैंगपो के नाम से है, फिर ये इंडिया में एंटर करता है बाय द नेम दिहांग। दिहांग को हम ब्लैक रिवर भी कहते हैं बिकॉज हाल ही में इसका कलर जो है वो ब्लैक हो गया है। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज की तो इट इज़ सुबानसिरी, कमेंग, धानसिरी, मानस एंड तीस्ता। दीज आर दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र इज नोन एज जमुना वाइल गंगा इन बांग्लादेश इज नोन एज पद्मा। इनकी जो कंबाइंड स्ट्रीम है उसको भी हम पद्मा के नाम से भी जानते हैं। और मेघना जो है वो इस रिवर की सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटरी भी वहाँ पर है। अगर हम बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र को मिला दें, इफ़ वी कंबाइन द स्ट्रीम ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र, इट फॉर्म्स दी बिगेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, जिसका नाम है सुंदरबंस, जिसका एरिया है करीब 58,750 स्क्वायर किलोमीटर्स, ये इसका एरिया है। और आखिरी में माजुली आइलैंड इसी रिवर पे है, विच इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिवर आइलैंड। ब्रह्मपुत्र को हम रेड रिवर भी दोस्तों कहते हैं। तो अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें, एक सवाल आ रहा है अमरदीप कुमार, सर ब्लैक कैसे हुआ? अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, चाइना का जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उस वजह से दिहांग रिवर का जो कलर है वो ब्लैक हो गया था, वो भी एक कारण है इसका। ओके नीतल कुमार, ब्रह्मपुत्र का लेंथ ज़्यादा है पर वो टोटल लेंथ इंडिया में नहीं है, उसका काफ़ी हिस्सा इंडिया के बाहर भी है। सिंस अ मेजर पोर्शन इज ऑल्सो आउटसाइड इंडिया, इसीलिए इंडिया की जो बिगेस्ट रिवर है वो गंगा है। ठीक है, तो ये एक बार आप देख लीजिएगा और इसका ये सेक्शन आप देख भी सकते हैं। चलिए अब ले चलते हैं आपको हमारे लास्ट मोटिवेशनल कोट पे दोस्तों। इजी वर्क क्या है? कंप्लेन करना, ब्लेम करना, झूठ बोलना, चीट करना या फिर प्रिटेंड करना, ये इजी काम है। हार्ड काम क्या है? किसी को इंस्पायर करना, किसी को मेंटर करना, किसी की हेल्प करना, कुछ नया सीखना और दान देने में, कुछ लोगों को बांटने में, लोगों को अपनी नॉलेज शेयर करने में पसंद करना। सो आपको चूज़ करना है कि इनमें से आप क्या हैं, इजी वर्क करना है या फिर आपको हार्ड वर्क करना है, ये आप एक बार ज़रा देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इजी वर्क क्या होगा और हार्ड वर्क क्या होगा, ये मैंने आपको आज बता दिया। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग विथ मी। अब आपसे मिलते हैं हम अब मंडे को, मंडे विल मीट अगेन एंड मंडे को हम फिर से हम स्टार्ट करते हैं अपनी चर्चा को। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग विद अस। अगर आपको शो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आप शो आप पूरे चैनल को पसंद करते हैं तो। बाय, टेक केयर एंड पीस आउट गाइज़।